नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज एक छोटू सा टॉपिक आपके लिए लेके आया है, रोडोमीटर या जिसको आप लोग मेजरिंग व्हील या सर्वेयर्स व्हील के नाम से आप लोग जानते हो, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, जैसे कि इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद इसको यूज कैसे करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करें। जैसा कि आप स्क्रीन में आप देख चुके होंगे, बहुत छोटू सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा साइट पे कि ऐसे ही मैं गया था रेंडमली, तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी पता नहीं होता है जनरली। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप जब जाओ तो पूरा कॉन्फिडेंट होके एक एक कंपोनेंट के बारे में जानोगे, ये मेजरिंग व्हील का क्या क्या कंपोनेंट है और कौन सा बटन का क्या यूज है और कैसे मेजर करते हैं। चलिए पहले इसके बारे में थोड़ी जानते हैं हम, क्या है, ओरिजिन कहाँ है इसका, कहाँ से ओरिजिन हुआ है ये, मतलब सर्वेयर्स व्हील का। तो जो ओडोमीटर का होगा ना, आप जाके देख लेना ओडोमीटर का कहाँ हुआ, कब हुआ, उसी के आसपास इसका भी ओरिजिन हुआ है। दूसरा क्या है इसका, जो कॉमन नेम, इसका क्या क्या नाम, हम लोग जो जनरली जानेंगे रोडोमीटर के बारे में इसका नाम जानते हैं, लेकिन कहीं आपको जो मार्केट में मिलेगा मेजरिंग व्हील के नाम से मिलेगा, सर्वेयर्स व्हील, ये तीन नाम काफ़ी आपको सुना सुना लगेगा। ऐसा नहीं कि रोडोमीटर बोल दिया तो अलग होगा, नहीं, सब एक ही है तीनों, ये तीन नाम कॉमन है, बाकी सब आप देख लो, ये भी सब्सिडरी नाम बोल दिया जाता है साइट पे। तो आप कौन कौन सा नाम हो गया आपका, रोडोमीटर, मेजरिंग व्हील और सर्वेयर्स व्हील, ये तीन नाम आपको काफ़ी चर्चा में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इस पे जाना ज़रूरी है। देखो इसमें लिखा हुआ है द मेजरिंग व्हील इज मार्क्ड इन फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन फ्रॉम और रेफरेंस पोजीशन। तो ये आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सीधा बातचीत हम करेंगे। जैसा कि मान लो जो ये व्हील है, ठीक है, ये कितना डिग्री का बनाएगा, 360 डिग्री जब फुल रोटेशन हो जाएगा, मान लो इस पॉइंट से चालू हुआ, फिर ये पॉइंट पूरा घूम के फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे मान लो आए, तो कितना रोटेट करेगा, 360 डिग्री रोटेट करेगा। यानी जब 360 रोटेट करेगा, ये एक फुल रोटेशन होगा, तो ये इसका जो लेंथ जो मेजर करेगा वो कितना होगा, जो इसका व्हील का सर्कमफ्रेंस होगा उसके बराबर ये चीज़ करेगा। तो बस यही छोटा सा प्रिंसिपल है। ये तो जब फुल मेजर किया तो 360 डिग्री का फुल एक रोटेट कर गया व्हील, तो सर्कमफ्रेंस के बराबर, अगर वो हाफ हुआ, मान लो आधा ही रोटेट करे, तो कितना हो जाएगा। तो जो इसका जो क्या होता है ना, इसका एक रेफरेंस ले लिया जाता है, उससे एंगुलर मैनेजमेंट करते, उसका जो जो प्रिंसिपल है उससे डिग्री निकाल दिया जाता है, कितना डिग्री ये ट्रेवल किया है, उस डिग्री से जो फ्रैक्शन आता है उसको मल्टीप्लाई कर, सर्कमफ्रेंस को मल्टीप्लाई किया जाए, कर दिया जाए। तो मान लो 180 डिग्री, मान लो हाफ रोटेशन लिया, 180 डिग्री हुआ, तो इसको क्या करेंगे, 360 फुल रोटेशन 360 या 180 से डिवाइड कर देते हैं, कितना होगा, कितना होगा फिर, सॉरी 180 हुआ, 180 डिवाइड बाय थ्री, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 360 से डिवाइड कर देंगे उसको, कितना हो गया फ्रैक्शन, 36 हाफ हुआ, यानी आधा सर्कमफ्रेंस का ये करेगा। उसी तरह अगर 125 डिग्री हो गया, 130 डिग्री हो गया, तो इसी तरह से डिवीजन करके उसका फ्रैक्शन निकलते जाएगा। तो सिंपल सा ये यूज करके सर्कमफ्रेंस एरिया से गुना कर देते हैं फ्रैक्शन को, तो हमारा निकल जाता है, ये ऑटोमेटिक उसमें डाटा इनपुट होता है, मतलब ये इस तरह से डिजाइन किया जाता है व्हील का कि वो ऑटोमेटिक डाटा देते रहे। तो ये छोटी सी बातें थी, अब चलते हैं फिर से स्क्रीन पे। वर्किंग प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा, आगे भी थोड़ा सा डिटेल में चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं और क्या है। अब देखिए यही है आपका, देख रहे होंगे और भी नेक्स्ट फोटो दिखा दे रहा हूँ, यही है आपका मेजरिंग व्हील, रोडोमीटर जिसको बोलते हो। इसके कंपोनेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, इसके कंपोनेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये जो
मेजर करता है 10 किलोमीटर तक का इसका कैपेसिटी है मेजर करने का, इस जो कॉमन मार्केट में जो आपको मिलेगा रो मीटर उसमें जो मेजरमेंट का यूनिट होगी या तो मीटर में होगा या फीट में होगा या कोई इसको सेंटीमीटर में भी अवेलेबल है, सेंटीमीटर में भी आपका अवेलेबल है ठीक है डिजिटल वाला में। ठीक है मार्केट में जो दो तरह का मिलेगा आपको, एक तो डिजिटल वाला जो कि काफ़ी अच्छा है, एक ये मैकेनिकल वाला, इसमें गॉस सिस्टम लगा रहता है, इसमें मैनुअली सब कुछ होता है ठीक है, वो डिजिटली उसमें सारा डाटा भी सब सेव कर सकते हैं हम ठीक है 5 टाइम। तो इसके कंपोनेंट के बारे में आप चलते हैं बात करते हैं। अच्छा पहले ये थोड़ा ख़त्म कर लेते हैं, और क्या है इसमें जो हम मेजरमेंट करते हैं ठीक है, अगर हम मान लीजिए इतना मेजर किए ठीक ऐसे गए और थोड़ा हम बैक हो गए गलती से, तो ऑटोमेटिक सब्सट्रैक्ट कर लेता है वो डिस्टेंस भी, ये एक पॉजिटिव चीज़ होता है इसमें ठीक है, मतलब माइनस करके फिर आपका मान लो 3 मीटर गए और 1 मीटर वापस आ गए तो माइनस करके मेजरमेंट जो दिखाएगा 2 मीटर ही मेजरमेंट दिखाएगा आपका ठीक है। उसके बाद एक जो दूसरा जो मेजरमेंट में एक प्रॉब्लम आती है, मान लो एक वॉल है, ये वॉल से आप मेजर करते हो इस पॉइंट को, तो व्हील यहाँ लगाओगे आप वॉल में सटाओगे तो ये वाला डिस्टेंस तो आपका मेजर नहीं होगा, ये क्या है रेडियस है ठीक है। तो यहाँ से जो मेजर करोगे ये डिस्टेंस जो आपका रीडिंग आया, रीडिंग मान लो 3 मीटर है, 3 मीटर प्लस जो रेडियस होगा वो जोड़ दोगे तो एक्चुअल मेजरमेंट आ जाएगा ठीक है। और जो दूसरी अगर दोनों साइड वॉल आ गया, मान लो आपको दोनों साइड वॉल आ गया, इधर भी वॉल आ गया इधर भी वॉल आ गया, तो यहाँ एक आर यहाँ एक आर, इस वाला आर ये वाला आर, जो ये वाला आर है दोनों मान यानी जो 2R प्लस रीडिंग, तो ये हमारा मेजरमेंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्या है, और यही चीज़ आपका नोट में लिखा हुआ आप पढ़ लो, समझ में आ गई होगी बातें। चलिए आगे अब इसके कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। अब जैसा स्क्रीन में देख रहे होंगे ये जो रेड कलर का है यही ऑन ऑफ बटन है, इसे आप ऑन कर सकते हो और ऑफ कर सकते हो ठीक है। ये CLR देख रहे होंगे तो ये क्लियर करने के लिए, क्या क्लियर होगा जो इसमें मेमोरी सेव, जैसे यहाँ पे मेजरमेंट हुई है 58.5 मीटर ठीक है, तो इसको सेव करना है तो ये वाला SM लिखा होगा ना सेव मेमोरी, इसको दबा देंगे तो ये मेमोरी सेव हो जाएगी, तो इसी को क्लियर करना होगा इस डाटा को, तो CLR को दबा देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। RM क्या है फिर रिकॉल करने के लिए, मतलब जो आप सेव किए हो वन बाय वन, मतलब 5 रीडिंग मैक्सिमम बहुत सारे है 10 रीडिंग तक सेव, ये 5 रीडिंग तक सेव करती है, तो 5 मान लो 4 मेजरमेंट अलग अलग के, कोई 10 मीटर मेजर किया कोई डिस्टेंस 15 मीटर, तो 4 चैनेज आपने किया तो चारों को आप रिकॉल कर सकते हो, RM को दबा दबा के आप देख सकते हो कौन कौन सा रीडिंग हमने लिया। और जो नीचे में जो सबसे ज़्यादा सबसे नीचे जो है वो आपका यूनिट कन्वर्शन है, आप मीटर में मेजर करना चाहो या फिर इसमें दो है मीटर फीट या किसी किसी में मीटर सेंटीमीटर भी होता है ठीक है, तो यहाँ मीटर और फीट में है, इसको दबा भी जैसे मीटर में है देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, इसको आप दबा देंगे तो फीट में मेजर लेने लगेगा ठीक है। ये तो ऑन ऑफ हो गया, ये क्लियर के लिए हो गया, ये रिकॉल करने के लिए हमारे मतलब जो रिटर्न जो जो हमने सेव किया जैसे SM दबा दबा के जो सेव किया हमने, जो सेव मेमोरी मेमोरी में जो जो चीज़ें हमने सेव किए जो जो रीडिंग है, जल्दी मान लो चार जगहों पे नापा है मैंने वो हमने, तो 4 जगह मेजरमेंट ली है तो चारों हमने SM को दबा कर जैसे 58.6 इसको दबा दिया तो ये सेव हो गया, तो अब चारों रीडिंग को देखेंगे कहाँ देंगे रिकॉल करेंगे, ये वाला RM को दबाएंगे तो ये रिकॉल हो जाएगा ठीक है, CLR से क्लियर कर देंगे वही डाटा जो सेव हुआ है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। चलिए उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं इसका कुछ कंपोनेंट्स, ये देख लो आप कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स क्या है, ये क्या टेल और सॉरी कुछ कंपोनेंट्स हैं इसको देख ले, तो ये देखो ये टेलीस्कोपिक, ये क्या है टेलीस्कोपिक है आपका हैंडल है, ये ऊपर नीचे होता है ठीक है, आगे दिखाते हैं आपको फोटो के जरिए, ये देख ही लिया होगा आपने। अब देखो ये मैकेनिकल वाला है, वो डिजिटल वाला था ये मैकेनिकल वाला है ठीक है, ये तीनों चीज़ें ये रीडिंग है मीटर है। अब आगे दिखाते हैं आपको बढ़िया से आपको, हाँ अब यहाँ से देखो आप,
अब क्या क्या है यहाँ देखो आप, स्टिक लॉक, ये क्या है स्टिक लॉक, ये वाला है जो ब्लैक कलर का दो देखे होगा ना, इसको खोलते हैं तो इसका जो टेलीस्कोपिक जो हैंडल है वो बड़ा हो जाता है, आपके अपने हाइट के अनुसार इसको खोल के आप टाइट करके मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए क्लिप, इसको फिर से टाइट कर दीजिएगा तो उतना हाइट पे वो हैंडल हो जाएगा जितना पे आप कंफर्टेबल हो इसको यूज करने के लिए। एक होता है फोल्डिंग स्टैंड, ये क्या होता है, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला है फोल्डिंग, इसका काम क्या है, जहाँ मान लो मेजरमेंट जहाँ से स्टार्ट किया अब ये ऊपर रहता है, जैसे ये यहाँ पे बंद है अभी ऊपर है, इसको खोल के जहाँ पे आपको रुकना है ओरिजिन उसको खोल दीजिएगा, वहाँ पे ये खड़ा हो जाएगा, ये एक तरह से इसको वर्टिकली खड़ा होने में मदद करता है, और जहाँ पे आपका इन पॉइंट है मेजरमेंट का वहाँ पे जाकर आप खड़ा कर सकते हो या ऐसे भी आप खड़ा कर सकते हो। ठीक है, ये देख लो आप व्यू है मैकेनिकल वाला का। ठीक है, आगे देखिए आप क्या क्या है। अब देखिए इसमें जो है थोड़ा बहुत जो एक्यूरेसी है ना कम होती है। ठीक है, ये लीनियर मेजरमेंट यानी डिस्टेंस मेजर करता है, स्मूथ सरफेस पे तो ठीक देगा, स्मूथ सरफेस पे भी एक प्रॉब्लम हो सकती है आपका ट्रैक्शन का, मतलब फील अगर आपका स्लिप कर गया तो आपका मेजरमेंट में तो थोड़ा बहुत करेक्शन, मतलब ये हो गया आपका एक्यूरेसी ख़त्म हो गई, तो इसीलिए उसका व्हील ऐसे तोड़ा जाता है कि स्लिप ना करें। अगर दूसरा बात है रफ़ सरफेस है, मडी है, सैंडी है, अंडुलेशन है, अनुलेशन क्या हुआ, इस तरह से ग्राउंड, आप मान लो इस तरह से पाइप गया हुआ, आप ऐसे समझ कर तो लेंथ तो बढ़ जाएगा पाइप का। ठीक है, जबकि आपको सीधा बन जाता, ये सब दिक्कतें आती हैं जो इसकी एक्यूरेसी को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, इतना है, आप देख लो एक बार बढ़िया से, ये देखो व्हील जो है इसका, आप देखो व्हील पे इस तरह से रहता है कि वो स्लिप ना करे, स्लिप करेगा तो डिस्टेंस में मेजर में दिक्कत होगी। ठीक है, मेन जो है आप ये सब देख लो। ठीक है, ये वाला चीज़ें इम्पोर्टेंट है यूज करने के लिए, ये आपका यूनिट चेंज के लिए है, ये सेव करने के लिए जो भी रीडिंग आप ले रहे हो, ये आप रिकॉल करने के लिए जो भी रीडिंग आपने सेव किया उसको वन बाय वन रिकॉल कर सकते हैं, ये जो आपने सेव किया है उसको डिलीट कर सकते हैं इसमें से, और ये है आपका ऑन ऑफ बटन, इसको दबा के आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं मेजरिंग व्हील को। इतनी चीज़ें हो गई, और चलिए उम्मीद करता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में लाऊँगा। ठीक है, इसी ऊपर अब देखते हैं, आज का एक नया सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ मैं आपको, आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। आज क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या पूछ रहा हूँ मैं आपको, कर्वी मीटर बारे में, ये कर्वी मीटर कहाँ यूज होता है आप कमेंट करके हमें बताएं, कर्वी मीटर यूज कहाँ होता है ये आप हमें कमेंट करके बताएं, ये का कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, हमेशा मैं बोलता हूँ, आज फिर मैं दोबारा बोलता हूँ, अपने आप को अपडेट करते रहिए, अपडेशन मतलब इंक्रीजिंग योर नॉलेज, आप जो सिविल उड़ान से हो तो अपने आप को अपडेट करते रहिए, नई नई चीज़ें से नई नई से अपडेट करते रहिए, बुक्स पढ़िए, इंटरनेट पे सफरिंग कीजिए, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस अपने आप को अवार करते रहिए। ठीक है, ये सभी चीज़ें करते रहिए, तो चलिए धन्यवाद, अपना अपनों का ख्याल रखिए, जय हिंद।